सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन जो होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में आप ही जैसे एक फ्रेंड के द्वारा पूछा गया था कि सर स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन के बारे में बताइए, ये क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट्स होता है, क्यों इसे लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय बर्बाद वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन, तो देखिए स्टीम टर्बाइन को तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पहले स्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं। तो देखिए स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई हमको फ्लूड को कहीं से निकालना है तो एक टैपिंग देकर जब हम लोग उसको स्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लीड आउट करते हैं, उसे निकालते हैं, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रक्शन। जैसे आपने ब्लड डोनेट किया होगा तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक टैपिंग देखते हैं, एक यहाँ पे सुई देते हैं और उस टैपिंग से आपको आपका जो ब्लड है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसे ब्लीडिंग करते हैं, ठीक है, ब्लीड आउट करते हैं, तो उसी चीज को कहा जाता है स्ट्रक्शन या ब्लीडिंग। ओके, ये जो स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन जो है वो आपको कहीं कहीं ब्लीडिंग टर्बाइन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको हम लोग स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन भी कहते हैं, ब्लीडिंग स्टीम टर्बाइन भी कहते हैं, या इसे पार्शियल कंडेंसिंग टर्बाइन भी कहते हैं। तो पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये टर्बाइन जो है उसमें स्टीम क्या हो रहा है, स्टीम जो भी जितना आपका टोटल स्टीम आ रहा उसका जो कुछ पार्ट जो होता है वो आपका यहाँ से आउट हो जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और जितना बचा कुचा स्टीम जो है वो आपका कंडेंसर में चला जाता है कंडेंस होने के लिए, यानी कि कुछ अमाउंट इधर से निकल गया और बाकी कुचा जो है वो यहाँ से स्टीम आ गया, तो इसी चीज़ को कहा जाता है पार्शियल कंडेंसिंग टर्बाइन। इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पर कंडेंसिंग भी हो रहा है और स्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कंडेंसिंग कम स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको कई नामों से जानते हैं। अच्छा, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रक्शन जो स्टीम टर्बाइन है वो एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए ये जो स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन है वो स्टीम टर्बाइन का ही एक टाइप है। ओके, तो ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा स्टीम टर्बाइन, जब हमारा इसमें मान लीजिए ये आपका टर्बाइन है तो इसमें जो भी जितना भी स्टीम जा रहा है तो कुछ पोर्शन ऑफ स्टीम जो होता है जब भी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करके किसी प्रोसेस हीटिंग के लिए यूटिलाइज करें या फीड वाटर हीटिंग में इसको यूटिलाइज करें जैसे थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, तो उस टर्बाइन को हम लोग स्ट्रक्शन स्टीम टर्बाइन कहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर समझने के लिए ये हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना है, ये आपका टर्बाइन और जनरेटर हो गया, आपका इसमें स्टीम जो है वो बॉयलर से आ रहा और यहाँ पर आपका इन कर रहा, यहाँ पे वर्क होने के बाद यहाँ से ये आउट हो रहा और कंडेंसर में गया, कंडेंसर में ठंडा होने के बाद यहाँ पे पानी बना और यही पानी जो होता है वो फिर से रिसर्कुलेट होने के लिए आगे जाता है। यहाँ पर हमारा सीपी लगा होता है और यहाँ पर मान लीजिए एक कोई फीड वाटर हीटर लगा हुआ है। फीड वाटर हीटर कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो ये पानी गया वो हीटर से होकर गुजरेगा, हीटर का मतलब होता है कोई चीज़ को गर्म करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पानी जब जाएगा तो वो गर्म होगा, अब वो गर्म कैसे होगा, तो यहां पर चूंकि हमने दिखाया है क्लोज टाइप का फीड वाटर हीटर, ओके, यानी कि ट्यूब यहां पे होंगे और आउटसाइड में आपका अदर फ्लूड होगा, तो आउटसाइड में आपका ये स्टीम जो आपका जो हम लोग स्ट्रेट करके स्टीम लाए हैं वो होगा और अंदर में आपका पानी जो ट्यूब के अंदर जो है वो पानी फ्लो करेगा, तो पानी चूंकि ठंडा है और स्टीम यहाँ से जो आ रहा है वो गर्म है तो इन दोनों में हीट ट्रांसफर होगा, जिसके वजह से हमारा क्या होगा कि पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और पानी यदि गर्म होगा तो फिर इसको बीएफपी के मदद से फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है और यही साइकिल जो होता है वो बार बार चलता है। यानी कि हमारा यहाँ से हम लोग बेसिकली समझ लिए कि हमारा जो ये स्ट्रक्शन निकाल लें तो हम लोग इसको फीड वाटर में हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा जो वाटर है उसको हीट करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्शन दिखाया है वो एक दिखाया है, अब ये किसी किसी प्लांटों में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन चार पांच भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टीम टर्बाइन है उसकी कैपेसिटी और उसकी जो डिजाइनिंग है वो कैसी है, ठीक है। जैसा आपका डिजाइन होगा वैसा आपका स्ट्रक्शन भी होगा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपका एक लिमिटेशन पोर्शन भी ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अब इससे अगर हमको फ़ायदा मिल रहा है तो हम बहुत सारे इससे स्ट्रक्शन निकाल लें, ठीक है। ओके, मान लीजिए कि ये 100 मेगावाट का अगर टर्बाइन है तो ऐसा नहीं है कि इससे हम 10 स्ट्रक्शन निकाल लिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप ब्लड डोनेट करने गए, ठीक है, आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया, तो ऐसा तो नहीं ना है कि आप 10 बोतल डोनेट करके आ जाएंगे,
क्योंकि आपको खुद की भी तो जरूरत है। तो मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, दो से दो दे सकते हैं, या बहुत हट्टे कट्टे हैं तो आप तीन दे सकते हैं, ठीक है, उससे तो ज़्यादा नहीं दे सकते, ओके, क्योंकि आपका खुद का रिक्वायरमेंट भी है। तो ठीक स्टीम टर्बाइन के साथ भी ऐसा ही है कि इसकी जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार को देखते हुए, जैसा डिजाइनिंग है उसके अनुसार से देखते हुए ही इसकी ब्लीडिंग की जाती है। इसको मैंने डिटेल में रीजनरेशन जो रेंकाइन साइकिल था उसको मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा कि रीजनरेशन में कैसे आपका ब्लीडिंग किया जाता है, कितना ब्लीडिंग किया जाता है और क्या देखकर किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट्स है, ओके, और अगर ज़्यादा निकाल देंगे तो क्या दिक्कत होगा। अब देखिए ये इस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें एडवांटेज होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो अब उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जो गर्म स्टीम जो आया इसको फीड वाटर को हमको जो है वो गर्म करके दिया, ठीक है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुआ, तो ये गर्म जो वाटर जो है वो अब आगे की ओर जाएगा, बॉयलर में जाएगा। तो बॉयलर में एक तरह से हमको प्री हीटेड जो वाटर है वो मिल रहा, और प्री हीटेड अगर वाटर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो स्टीमिंग रेट है वो हमारा बढ़ेगा, साथ में कूल का कंजम्पशन भी हमारा घटेगा। हम लोग इफिशिएंसी में जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट होता है, और इनपुट अगर हम घटाएंगे और आउटपुट अगर हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा तो डेट मीन्स हमारा इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगा। तो यानी कि एक तो हमारा बॉयलर की इफिशिएंसी इंक्रीज होगा, अब अगर बॉयलर की इफिशिएंसी इंक्रीज होगी डेट मीन्स आपके ओवरऑल जो प्लांट की इफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा क्या फायदा है आपका, जो बॉयलर में जो कोल कंजप्शन जो है वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आपको पैसे की जो है वो बचत होगी। तीसरा क्या एडवांटेज है कि आपका जो कंडेंसर का ये जो साइज है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ स्टीम जो है वो पहले ही स्ट्रेक्ट कर लिया जा रहा है, तो आपका टोटल स्टीम जो है वो कंडेंसर में नहीं जाएगा। अगर टोटल जाएगा तो आपका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। अगर ये सम पोर्शन ऑफ यहाँ पे निकाल लिया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ही जो स्टीम है वो यहाँ पे जा रहा है, तो उसको देखते हुए इसका डिजाइन किया जाएगा, यानी कि इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कम आएगी। तो इस तरह से मेनली जो इसका जो फायदा होता है ये प्लांट की ओवर और जो इफिशेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ ये भी सब इसके फायदे हैं। आजकल के जो बड़े बड़े जो थर्मल पावर प्लांट होंगे वहाँ पर आप रीजनरेशन देखेंगे, जो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेक्ट करके जो फीड वाटर को हीट करें इसी को ही रीजनरेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो आजकल के जो आप प्लांट देखेंगे वहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस आपको दिखेगा, ताकि हमारा प्लांट का इफिशेंसी जो है वो इंक्रीज हो, ओके। तो आई होप कि ये छोटा सा जो टॉपिक था वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।